अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करूँगा कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने परिंदों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जैसे कि हमारे पास ये एक मादी है, सही है। देखने में आप बोलोगे ये नर है, लेकिन ये मादी है, सही है। इसकी ना ये पंजे जो हैं इनके ऊपर वीट वगैरह लगी हुई हैं। तो इनके जब वीट लग जाए तो बहुत से हमारे फ्रेंड्स हैं वो यूँ खींच के उतार देते हैं। अगर आप ये यूँ खींचेंगे तो इसके नाखून जो हैं वो इसी के साथ आ जाएंगे। काफ़ी हमने भी ये गलतियाँ की हैं सीख सीख के। अब आप ये देख रहे हैं, आपने क्या करना है कि आपने इसको सही से पकड़ लेना है। यूँ आपने इसको यूँ पकड़ लिया। अब ये हल्का सा पानी है, इसमें आपने यूँ उंगली लगाई, इसके ऊपर यूँ हल्का सा लगा दिया। देखो, गंदगी वाला काम है, लेकिन हम तो बर्ड्स लवर हैं, इस वजह से हम लोगों को अपने परिंदों का ख्याल रखना है। उनके दुख में, गम में, खुशी में, हर चीज़ में शरीक होना है। आराम आराम से नरम करके आपने इसको उतारना है। अगर आपने हल्का सा भी ज़ोर और जल्दबाजी का मुजाहरा किया तो आपका ये नाखून अलग हो जाएगा और ये किसी चीज़ के काबिल नहीं रहेगी। मार्केट वैल्यू गिर जाएगी और दीगर मामला। तो फ्रेंड्स, अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसके ये नरम होकर उतर जाए, लेकिन काफ़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी। बहुत आराम से तरीके से देखो, ज़्यादा जोर कर लगाओगे इनको दर्द भी होती है। ये देखें, ये एकदम से ये फटा है, ये देख रहे हैं, एकदम से ये फटा है। और अब हमने इस पर और पानी थोड़ा सा लगाएंगे। अब ये देखें, बहुत मेहनत वाला काम है। अक्सर दोस्त जो है हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत नहीं हारनी। जी तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि अभी हमने बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद इनके जो पंजे हैं इनके ऊपर से ये वीट्स जो लगी हुई थी ये उतार ली हैं। तो फ्रेंड्स, ये ज़्यादातर ये वीट्स जो है अगर हम छन्नी साफ़ ना करें तब लगती हैं, और गंदगी हो, ज़्यादा हम सफाई वगैरह का ख्याल ना रख रहे हों तो इनके पंजों पे यूँ वीट लगती है। तो आप अपनी जो क्या कहते हैं उसको ट्रे वगैरह हैं वो हर हफ्ते साफ़ करें, और जैसे ही बच्चे बड़े हों छन्नी से उतरें तो फ़ौरन उसकी छन्नी चेंज करें, फिर ये मसला नहीं आएगा। ये बहुत 10 से 20 जोड़े हैं तो उनमें किसी एक आध के ये मसला आ जाता है, और नज़र रखें अगर किसी के ये मसला आए तो आप फ़ौरन इसको साफ़ करें। तो फ्रेंड्स, फिर आपने देखा कि किस तरह से हमने ये उतारा है, और किस तरह आप सीख गए होंगे कितनी देर लगती है, कितनी मेहनत का काम है। इस तरह बिल्कुल आपने भी उतारना है, तो देख लें कैसे साफ़ सुथरा हो गया। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने परिंदों का अच्छे से ख्याल रखिएगा।